गांधी जी अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए कागज लिखते थे, पेपर छपवाते थे, न जाने क्या क्या करते थे, क्योंकि वो जमाना वैसा था। और अब जमाना हो गया है ऐप्स का। ऐप्स के जरिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, और मनोरंजन का माध्यम भी तो ऐप्स बन गया है। ऐसे ही एक ऐप का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मनोज वाजपेयी। मैं ये कहता हूं कि वो उस जमाने को समझ ही नहीं पाएगा कि जब हम लोग जब हम लोग टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, और वहाँ पर दोस्त होते थे, हम दोस्तों के साथ समय बिताते थे, और जो करामात, जो अनुभव, जो जीवन हमने बिना फ़ोन के जिया है, उस जीवन के बारे में ये पीढ़ी कभी सोच ही नहीं पाएगी। जनरेशन गैप्स में डिफरेंसेस होते हैं, ये तो सबको पता है, पर जिसने इसे करीब से महसूस किया हो वो उसे बहुत अच्छे से समझा पाएगा। आज SBS ओरिजिनल्स पर हमारे साथ है मनोज वाजपेयी, जिन्होंने डिजिटली इंक्लाइन यंग जनरेशन और पुरानी जनरेशन का एक खासा अंतर बताया। मौका था ही ऐसा। सोशल मीडिया प्रभावित वर्ल्ड में मनोज वाजपेयी ने इनॉग्रेट किया एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन जय भीम। SBS ओरिजिनल्स के साथ खास बातचीत में मनोज जी ने शेयर किए बदलते दौर के किस्से। ना सिर्फ इसमें अपना फन दिखाने का मौका मिलेगा बल्कि पैसा कमाने का भी एक मौका है। देखिए, आजकल डिजिटल मीडियम ऐसा हो चुका है कि हर मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका मुआवजा वो दे देता है आपको, और वहाँ पे दर्शक है जो बहुत सारा कंज्यूम करने के लिए बैठा हुआ है और आपको प्रोत्साहित करता रहता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप आज हर जो युवा है जो क्रिएट कर सकता है, आज ना सिर्फ उसके पास जरिया है बल्कि उसको अब रोजी रोटी के लिए अलग से बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, जब आप 90s में जब आप टीवी में और फिल्मों में आए थे, तब ऐसा कोई जरिया नहीं था कि आप छोटा सा कोई वीडियो बनाएं और आपके टैलेंट को लोग देख लें और आपको मौका दे दें। अब लोग वीडियो बनाते हैं, टैलेंट को दुनिया पहचानने लगती है। आप मिस करते हैं कि उस ज़माने में भी कुछ ऐसा होता? नहीं, कि मिस तो नहीं करता, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो, मैं ये कहता हूँ कि वो उस ज़माने को समझ ही नहीं पाएगा कि जब हम लोग टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, और वहाँ पर दोस्त होते थे, हम दोस्तों के साथ समय बिताते थे, और जो करामात, जो अनुभव, जो जीवन हमने बिना फ़ोन के जिया है, उस जीवन के बारे में ये पीढ़ी कभी सोच ही नहीं पाएगी। आज उसका सबसे बढ़िया दोस्त उसका टीवी है या ये मोबाइल है या उसका ऐप है, जय भीम आप उसका दोस्त है। अब जब मनोज जी हमसे मिले हैं तो हम उन्हें द मच अवेटेड फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में ना पूछे ये तो हो ही नहीं सकता। अब तमाम प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, फैमिली मैन 1 और 2 बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, क्या हमें 3 भी देखने को मिलेगा इसका सीजन, और ये कब तक होगा, क्या कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मुझसे किसी ने डेट्स मांगा नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो लोग अभी लिख रहे हैं, अब जब लिख लेंगे फिर डेट्स पे आएगी बात, और वेब सीरीज फिर पैसे पे आएगी बात। डेट तो काफ़ी बढ़ा दिए होंगे आपने तो नहीं, लेकिन क्या काम कर रहा हूँ, क्या है, सबका अनाउंसमेंट धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन हाँ लगातार काम कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, जो आजकल के जो यंग डायरेक्टर्स हैं, बड़े एक्साइटिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। SBS ओरिजिनल्स उम्मीद करता है कि जल्द ही मनोज वाजपेयी अपने फैंस के लिए और एंटरटेनिंग कंटेंट लाए और डिजिटल दुनिया में भी सबको सरप्राइज करे। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।